चाहिए आपको कोई भी जिपर, ये प्लास्टिक वाली जिपर है जो बैग्स वगैरह में लगती है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने रेड कलर लिया है इस तरह से, या जो जी ये प्लास्टिक टीथ वाली है, अगर आप चाहें तो इसमें एक मेटल टीथ वाली भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक टीथ है, ये देखिए जैसे हमने मेटल के टीथ से बनाया है, ये मेटल के टीथ हैं, तो आप मेटल के टीथ वाली भी जिपर ले सकते हैं और प्लास्टिक के टीथ वाली भी जिपर ले सकते हैं, जो आपको है, जो जिपर है इसमें से ये लेना है आपको 3 इंच, ये लेना है आपको 3 इंच, 3 इंच के आपको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं पहले इसमें से 3 इंच का। ये देखिए ये हमने 3 इंच का पीस कट कर लिया है, इस तरह के आप 8 पीसेस कट कर लीजिए, टोटल 8 इस तरह से हमने कट कर लिया। जो साइड से इसके एजेस लग रहे हैं, इसे हल्का सा लाइटर से थोड़ा सा साइड से अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। इसके बाद हम इन्हें सारे जब तैयार हो जाएंगे, हम इन्हें आगे फ्लावर बनाएंगे। इसका बड़ा पीस कट करना है जिससे हम ये बीच वाला राउंड बनाएंगे। ये जो हमने छोटे पीस कट किए हैं इससे हम ये साइड वाली लीड्स बनाएंगे, और ये जो हम बड़ा पीस कट कर रहे हैं इससे हम ये सेंटर वाला पोर्शन बनाएंगे। तो हमें कट करना है 12 इंच का, ये 3-3 इंचेस के छोटे पीसेस काटे हैं, इससे हम साइड की लीव्स बनाएंगे और इससे हम सेंटर का बनाएंगे। तो आइए हम देखें कैसे बनाते हैं। एक नीडल में थ्रेड डाल लीजिए, ये इस तरह से छोटी पत्ती लेनी है और इस तरह से पहले हम छोटी साइड वाली लीव्स बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी साइड वाली छोटी लीव्स बन गई हैं। इस तरह से इन सब की हमें इसी तरह से छोटी छोटी लीव्स बनानी है, फिर हम उनसे आगे ये वाली साइड में जो हमने लगाई है, अब हमने ये सेंटर वाली लीव्स बनानी है। ये सेंटर वाला हमें पोर्शन कैसे बनाना है, जो हमने बड़ा पीस लिया था इसमें से हम सेंटर वाला पोर्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे हमने ये इसमें मोड़ रखा है, देखिए छोटा सा। आप चाहें तो बिल्कुल मैचिंग वाला थ्रेड यूज़ कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, जैसा कि हमने उसमें यूज़ किया है। इटली आप इस तरह से बना लीजिए, उसके बाद ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ साइड में इसी तरह छोटे छोटे स्टिचेस जैसे कि हमने दूसरी वाली लीव्स में बनाए थे इस तरह से लेने हैं। इस तरह से पूरा कीजिए, जब आप इसे खींचेंगे थ्रेड को तो ये इस तरह से
अपने आप टर्न हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मुड़ के ये इस तरह से सेंटर में बनेगा। पहले आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे एंड तक कच्चा कर लिया है। अब आप इसे इस तरह से ये इस तरह से आपका सेंटर वाला पीस बन जाए। इसे इस तरह से एंड में जॉइन कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा सेंटर वाला पोर्शन बन गया है। इसे थोड़ा थोड़ा सा स्टिच कर दीजिए ताकि ये अपनी इसी पोजीशन। क्या करना है, जो हमने ये इसका सेंटर था इसके ऊपर ये रखना है इस तरह से। जो ये सेंटर है इसके ऊपर यहाँ इस तरह से रखना है और इन्हें आपस में ज्वाइन करना है। फिर ये दूसरी लेनी है, इसके सेंटर में इस तरह से रखनी है, यहाँ सेंटर में इस तरह से, और इसे भी ज्वाइन करना है। इस तरह से फिर हमें तीसरी लेनी है और इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें ये सारी जो हमने 8 लीव्स बनाई थी 8 की 8 ज्वाइन करनी है। इस तरह से बाकी की भी इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये लास्ट वाली भी इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रख के इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा साइड की लीव्स बन गई। अब जो हमने सेंटर पीस बनाया था वो हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा के इसे अटैच कर लीजिए। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। हम इस तरह से इसे कोई भी कपड़े का टुकड़ा हो आप उसे हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद चाहे तो आप इसमें क्लिप लगा सकते हैं। इस तरह से हॉट ग्लू गन से क्लिप को अटैच, ये हमारा इस तरह से बन गया था। फिलहाल इसे आप चाहे तो इस तरह से हेयरबैंड पे लगा सकते हैं। ये आपका हेयरबैंड बन गया और ये दूसरे फ्लावर पर इस तरह से हम क्लिप लगा सकते हैं। तो ये हमारी क्लिप बन गई। आप इसे एज अ यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं तो ये ब्रोशर की तरह यूज़ हो जाएगा। हॉट ग्लू गन से हम ये हमारा हेयरबैंड रेडी। इसी तरह से आप डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे बीच में आप येलो कलर लगा सकते हैं कोई और।